मूवी स्ट्राइप प्रस्तुत करता है व्हेन हिटलर स्टोल पिंक रैबिट। डायरेक्टर है कैरोलाइन लिंक और आईएमडीबी रेटिंग 7 है। ऐसे ही नए नए मूवीज एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल हिट पक्के से करें। पसंद आए तो दिल खोल कर शेयर एंड लाइक भी करें। चलिए अब सुना जाए। जर्मनी, बर्लिन शहर, साल 1933। आना और उसका भाई मैक्स स्कूल फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में शामिल है। हर कोई कुछ ना कुछ बना है, लेकिन कुछ नाजी सिपाही बने बच्चे आना और मैक्स को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों ज्यूस है। पार्टी के बाद दोनों घर पहुंचे, जो कि शहर के जाने माने सोसाइटी में है। उनकी आया हाईएमपी ने बताया, आज उनके पापा मिस्टर कैंपर को देखने डॉक्टर आए थे। वो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं। तभी उनकी माँ डोरोथिया एक पियानो कॉन्सर्ट में जाने के लिए तैयार होकर आई। बहुत बड़े मंच में उसे आज पियानो बजाने का मौका मिल रहा है। फोन की घंटी बज उठी। डोरोथिया फोन उठाने गई और फिर उस कमरे से ही बाहर नहीं आई। जब आना ने अपनी माँ को पापा के पास रोते हुए बैठे देखा, उसे कुछ समझ नहीं आया। रात में वो पापा के पास जाकर बैठ गई। रेडियो पे उनका लिखा कोई आर्टिकल आ रहा है जो आने वाले इलेक्शन के ऊपर है। आना वही सो गई। सुबह उठी तो पापा वहाँ नहीं है। उसकी माँ ने दोनों बच्चों को सामने बिठाकर समझाया, तुम्हारे पापा के बुक्स और आर्टिकल्स नाजी के खिलाफ लिखने की वजह से हिटलर के हिटलिस्ट में आ गए हैं। 10 दिन के बाद होने वाले इलेक्शन में अगर हिटलर जीत गया तो इन हिटलिस्ट वाले लोगों को वो बख्शेगा नहीं। इसीलिए इससे पहले कि आर्थर का पासपोर्ट जब्त हो जाए, वो देश छोड़कर आज सुबह ही चेकोस्लोवाकिया के लिए निकल गया है। उसकी माँ ने बच्चों को पापा की जर्मनी छोड़ने वाली बात किसी को ना कहने को कहा। अगर हिटलर हारा तो वो वापस आ जाएंगे, और नहीं तो हम सबको पापा के पास जाना होगा। कुछ ही दिन बाद डोरोथिया के भाई अंकल यूलियास आए हैं। वो जू में काम करते हैं। आना उनके बहुत करीब है। उसने बताया कि उनके पापा चाहते हैं कि वो सभी उनके पास आ जाए, उसका परिवार यहाँ सुरक्षित नहीं है। बच्चों ने पूछा, हम वापस कब तक आएंगे? डोरोथिया बोली, पता नहीं। आना हाईएमपी की गोद में बैठते हुए बोली, और तुम भी चलोगी ना? हाईएमपी प्यार से समझाते हुए बोली, तुम चलो, मैं बाद में आती हूँ। उन्हें कल ही निकलना होगा। बच्चों को बस दो किताब और एक खिलौना रखने की इजाजत मिली। नन्ही आना समझ नहीं पा रही कि वो टेरी को ले जाए या पिंक रैबिट को। दोनों ही खिलौने उसे बहुत पसंद है। जब रात में हाईएमपी उसे सुलाने आई, आना ने अपनी ये उलझन उसे बताई। उसके भोलेपन को देख मुस्कुराते हुए वो बोली, तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद मैं एक बक्से में तुम्हारी सारी पसंदीदा किताबें और खिलौने भरकर तुम्हें भेज दूंगी। आना खुशी खुशी सो गई और हाईएमपी उसे सोते हुए देख रही है। शायद वो उसे आखिरी बार देख रही हो। अगले दिन आना घर की हर चीज को गुड बाय कह रही है। डोरोथिया ने जाते हुए हाईएमपी को महंगी कोट और बैग देते हुए कहा, अपना ख्याल रखना। आना हाईएमपी से लिपट गई। उसने अपनी खुशबू भरी रुमाल देते हुए कहा, इसे पास रखकर सो जाया करना मेरी प्यारी आना। वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। रास्ते में किसी को शक नहीं हुआ। स्टेशन पे उतरते ही आर्थर उनका बेसब्री से इंतजार करता हुआ मिला। वहां पहुंचकर आना की तबीयत खराब हो गई। इधर खबर छपी है सोशलिस्ट पार्टी जीती है, लेकिन वो कुछ छोटी पार्टियों से हाथ मिलाने की फिराक में है। ऐसा हो गया तो जीत उसी की है। 3 दिन बाद आना को होश आया। सबने राहत की सांस ली। कल वो एक नई जगह जा रहे हैं। ये होटल उनके लिए बहुत महंगा है। अगले दिन शहर की भीड़ भाड़ से दूर वो एक गांव में गए। वहां किराए पे एक मकान लिया। मकान मालकिन की बेटी से एना की दोस्ती हो गई। वहां का खाना पीना बहुत अलग है। बच्चे हाईएमपी के बनाए खाने को याद कर रहे हैं। रात में आना एक कोरे कागज पे पेंसिल से कुछ लाइनें खींचकर कैलेंडर बना रही है, ताकि वापस घर जाने का दिन गिन सके। और रात को हाईएमपी के दिए रुमाल की खुशबू सूंघते हुए सो गई। अगले दिन से वो गांव के स्कूल जाने लगे। अब आर्थर के पास समय ही समय है, क्योंकि उसका काम बंद हो गया है और साथ में कमाई भी। एक दिन अंकल यूलियास उनसे मिलने आया और बताया कि हिटलर के पावर में आने के दूसरे दिन से ही
ज्यूस के पासपोर्ट छीन लिए गए। नाजियों ने हाइम्पी पे बहुत दबाव डाला पर वो कुछ बोली नहीं। उनके घर के सारे सामान जब्त कर लिए गए हैं, लेकिन यूलियास ने आर्थर की कुछ किताबें अपने पास छुपा के रख ली है। डोरोथिया को शायद उसका पियानो कभी वापस ना मिले। आना को हाइम्पी और पिंक रैबिट दोनों की चिंता होने लगी और वो सोचने लगी, शायद हिटलर मेरे पिंक रैबिट के साथ खेलता होगा। सैर करते हुए अंकल यूलियास ने आर्थर से उसके काम के बारे में पूछा। वो बोला, मैं यहाँ लिख तो सकता हूँ पर यहाँ कोई मेरा काम पब्लिश नहीं करेगा क्योंकि ये एक न्यूट्रल कंट्री है। कभी कभी लगता है जर्मनी लौट जाऊँ, वहाँ लोगों को मेरे आवाज़ की ज़रूरत है। यूलियास बोला, पागल मत बनो, पता है एक ज्यूस प्रोफेसर को कॉलेज से सीधा पकड़कर नाजी कैंप ले जाया गया और उसे कुत्ते की तरह एक छोटे से लोहे के चेन के साथ बांध दिया गया, इतना छोटा कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। उसे भौंकने पे मजबूर किया जाता, मारा पीटा जाता। ज़्यादा दिनों तक वो ये झेल नहीं पाया और उसने सुसाइड कर लिया। इस बीच उन्होंने गौर नहीं किया कि छोटी आना उन्हें सुन पा रही है। वो ये सुनकर नंगे पांव घर की तरफ भागी। जाते वक्त अंकल यूलियास ने आना को समझाया, तुम्हारे अंदर एक धीमी सी आग है जो तुम्हें रोशनी दिखाएगी, अच्छाई और सच्चाई को देखने में मदद करेगी। उसे कभी मत बुझने देना और याद रखना, अंत में जीत अच्छाई की होती है। अंकल को पता है अभी ये वक्त कुछ ऐसा है कि कब किससे कौन सी मुलाकात आखिरी हो। अंकल यूलियास वापस अपने जू अपने जानवरों के पास जर्मनी चले गए। रात में सोने से पहले आना ने कागज पे हाइम्पी और पिंक रैबिट को बनाया, उसकी दोनों प्यारी चीजें जो उससे दूर है। इसी महीने आना का जन्मदिन है, मगर इस बार उसे एक बर्थडे केक और अंकल यूलियास के भेजे एक माउंटेन डियर के अलावा और कुछ नहीं मिला। उन्होंने लेटर में लिखा, डियर आना, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, आंटी एलिस और मैक से कहना अपना ख्याल रखे। आना समझी नहीं, यह आंटी एलिस कौन है? पापा बोले, वो मैं हूँ, नाजी को गुमराह करने के लिए ऐसा लिखा है। तभी हाइम्पी का फोन आया। आना ने दौड़कर फोन उठाया और चहकते हुए बोली, मैं 10 साल की हो गई हूँ, बड़ी हो गई हूँ। हाइम्पी बोली, तुम हमेशा मेरी प्यारी आना ही रहोगी। आना उसे अपने पास बुला रही है, पर उसे अब एक नए परिवार में काम मिल गया है, वो यहाँ से कहीं और नहीं जा सकती। तभी टेलीफोन बूथ के बीप की आवाज़ के साथ फोन कट गया। इतनी दूर फोन करने के पैसे भी बहुत लगते हैं, कितनी और बातें करनी थी उन्हें एक दूसरे से। अब आर्थर आना को अपने साथ जर्नलिस्ट के होने वाले मीटिंग में ले गया। वहाँ वो काम की तलाश में गया है, यहाँ काम मिलना मुश्किल होता जा रहा है। कुछ दिन बाद आना के मॉम डैड बच्चों को मकान मालिक की देखरेख में रखकर पेरिस जा रहे हैं। वहाँ एक ज्यूस न्यूज़पेपर में आर्थर को काम मिल सकता है और तब तक डोरोथिया उनके लिए एक घर और बाकी की चीज़ें देखेगी। सब सही रहा तो वो बच्चों को जल्द आकर ले जाएंगे। यहाँ धीरे धीरे हाइम्पी की खुशबू उस रुमाल से जा रही है और उसे नींद भी आना। 10 दिन बाद आर्थर अकेले उन्हें लेने आया, अपनी अच्छी दोस्त से अलविदा ले। देर रात दोनों बच्चे पापा के कंधे में सोते हुए पेरिस पहुंचे। ये घर उनके घर जैसा बिल्कुल नहीं है, कमरे छोटे हैं, रोशनी भी कम है, एक इंसान के खड़े रहने लायक बालकनी है, बाथरूम भी पड़ोसी के साथ शेयर करना होगा। ये घर पहले नौकरों का हुआ करता था और अब वो लोग यहाँ रहेंगे। इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी आर्थिक स्थिति कितनी बिगड़ चुकी है। रात को उन्होंने ब्रेड, ऑमलेट और आलू खाए। अगले दिन आर्थर न्यूज़पेपर ऑफिस पहुंचा। यहाँ पर भी जर्मन्स भरे पड़े हैं, इसीलिए उसके लायक कोई काम नहीं मिला, बस हफ्ते में एक बार किसी थिएटर के बारे में लिखना। पैसे भी बहुत कम हैं, महीने के 60 फ्रैंक मिलेंगे। घर पर सिर्फ ब्रेड और चीज़ है, कैसे होगा उनका गुजारा? स्कूल भी वो सिर्फ एक ही बच्चे मैक्स को भेज पा रहे हैं। आना घर पे पढ़ेगी, यहाँ स्कूल में फ्रेंच बोली जाती है। मैक्स को स्कूल में कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो दोस्त नहीं बना पा रहा। एक दिन डोरोथिया आर्थर के साथ बाजार में
एक केक के शॉप को देखने लगी। अब तो केक खाने के लिए भी सोचना पड़ता है, पर वो कुछ बोली नहीं। आर्थर अंदर गया और उसके लिए उसकी पसंदीदा केक का टुकड़ा ले आया। बड़े दिनों बाद वो पुराने दिनों की तरह थोड़ी देर साथ बैठे परेशानियों को पीछे छोड़ हंस रहे हैं। एक दिन चर्च में आर्थर रॉबर्ट स्टेन से मिला। वो भी ज्यूस है और जर्मनी से भागा हुआ है। वो एक थिएटर में डायरेक्टर था, मगर उसके नाटक में नाजियों को ऊपर दिखाए जाने की वजह से आर्थर ने न्यूज़पेपर में कई दफ़ा उसकी बुराई भी की है, इसलिए दोनों एक दूसरे को नापसंद करते हैं। रॉबर्ट ने उसे अपने घर बुलाया है। डोरोथिया को भी पता है कि आर्थर उसे पसंद नहीं करता। देखते देखते क्रिसमस आ गया। डोरोथिया ने अपनी सोने की चेन बेचकर बच्चों को तोहफों में स्कूल बैग्स दिए और कहा कल से आना एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करेगी। इधर आर्थर भी डोरोथिया के लिए कुछ लेकर आया है, एक कपड़ा जिसमें पियानो की कीस बनी है ताकि वो अपनी चाहतों को ना भूले। अगले दिन से आना स्कूल जाने लगी। इधर बड़ी मुश्किल से मैक्स के दोस्त बन रहे हैं। उसे कुछ पैसे चाहिए उनके साथ बाहर जाने के लिए, मगर डोरोथिया ने मना कर दिया। मैक्स को गुस्से में देख आर्थर उसे बाहर घुमाने ले गया और फिर थोड़े कम पैसों में ही उसे एक अच्छी चीज़ खिलाई। ऐसा नहीं है कि बच्चे हालात नहीं समझते, पर कभी कभी उन्हें तरीका बदल कर समझाना पड़ता है। आज मकान मालिक ने बच्चों को टोकते हुए कहा, दो दिन हो गए हैं अभी तक किराया नहीं दिया है, ये सब यहाँ नहीं चलेगा, अपने बाप से कह देना। बच्चे कितने मासूम होते हैं ना, उन्हें दुनिया की शर्म से कोई लेना देना नहीं। दोनों सड़क के पार फाउंटेन के पानी में मन्नत मांगे हुए सिक्के उठाने लगे। जर्मनी में आर्थर का नाम सबसे आला दर्जे के राइटर्स में शुमार था, लेकिन अब एक लोकल न्यूज़पेपर के छोटे से हिस्से में अपनी कलम घिस रहा है। इतने दिनों से जो घुटन वो महसूस कर रहा है, बच्चों की ज़रूरतें पूरी ना कर पाना, घर का किराया नहीं देना, जब रात में नींद में तकलीफ होती वो कराहता है। डोरोथिया भी इसी वजह से रात भर बैठी रहती है, आज तो आना भी नहीं सो पाई। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो गले तक आकर रुक जाती है। आज घर पे खाना नहीं है, इसीलिए डोरोथिया बच्चों को रॉबर्ट के घर ले गए जो आर्थर को उस दिन चर्च में मिला था। वो उनके घर के ठाट बाट देख अपने पुराने दिन याद करती है। मिसेस स्टेन उसे देखकर ही उनकी हालत समझ गई। टेबल पे सजे खाने को देखकर आना और मैक्स की आंखों में चमक सी आ गई। दोनों ने आज मन भर कर खाया और उनके बच्चों के पुराने कपड़े, जूते और किताबें भी ले आए। डोरोथिया ने एक अरसे बाद पियानो को हाथ लगाया। घर वापस आकर आर्थर ने उन पे बहुत गुस्सा किया। डोरोथिया बोली, अब आईना देखने का वक्त आ चुका है, हम वैसे नहीं रहे जैसे हुआ करते थे। मेरे बच्चों की तकलीफ और ज़रूरतें मुझसे नज़रअंदाज नहीं होती, और इसमें गलत ही क्या है। कुछ दिन बाद अंकल यूलियास के अच्छे दोस्त हाइंस उसकी मौत की खबर लेकर आए हैं। उनकी दादी ज्यूस थी और ये काफ़ी था नाजियों का उसे बर्बाद करने के लिए। वो ऐना के लिए अपनी पॉकेट घड़ी छोड़ गए हैं। इस खबर ने सबको मायूस कर दिया है। इस मायूसी के बीच एक उम्मीद की रोशनी दिखी जब आर्थर की नेपोलियन पे लिखी किताब को अमेरिका के एक पब्लिशिंग हाउस ने छापने का निर्णय लिया। बच्चे इस शहर के आदि हो ही रहे थे कि डोरोथिया ने बताया, अब वो लोग लंदन जा रहे हैं। बच्चे गुस्सा हो गए कि फिर से नई शुरुआत, एक और नई भाषा, एक और नया स्कूल। आना बोली, क्या हम घर कभी वापस नहीं जाएंगे हाइम्पी के पास? आर्थर ने कहा, शायद कभी वैसे ना जा पाएंगे जैसे घर छोड़ा था, लेकिन हर जगह को थोड़ा थोड़ा घर जरूर बनाएंगे। कुछ दिनों में उनका जहाज एक नए सफर इंग्लैंड के लिए रवाना हो गया। आना की कहानी असल जिंदगी में जुदित केर की कहानी है। 1935 में लंदन इंग्लैंड पहुंचे, उसने वहां आर्ट्स की पढ़ाई पूरी की और आगे चलकर बच्चों के लिए किताबें लिखी। मैक्स यानी माइकल ने वकालत पढ़ी और इंग्लैंड के हाईकोर्ट का जज बना। व्हेन हिटलर स्टोल माय पिंक रैबिट 20 से भी ज़्यादा भाषाओं में छपी और जुदित केर ने इससे बहुत नाम कमाया। लंदन ने उसे वो घर दिया जिसकी उसे तमन्ना थी और 2019 में जुदित 95 साल की उम्र में चल बसी। मूवी यहीं ख़त्म होती है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी
कमेंट में हमें जरूर बताना। बाकी क्या करना है आप जानते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्द फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के संग। टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।